सौरभ भारद्वाज इस वक्त क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनाते हैं, फिर जितेंद्र के पास चलेंगे। मैं आपको बता तो रहा हूं, हर एजेंसी ये बात जो है के बारे में बात कही जा रही है, सभी जो है अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि जो प्रोसेस है यही जो है हैरेसमेंट है, क्योंकि सजा तो हो नहीं सकती, सबूत है नहीं, तो जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है इसको इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर आदमी को परेशान किया जाए। आप सोचिए 18 मंत्रालय देखने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 8-8 घंटे जो है पूछताछ की जा रही है, क्या ये सही है, क्या ये होना चाहिए, क्या इससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में केंद्र सरकार की बदनामी नहीं हो रही, इस देश की बदनामी नहीं हो रही कि किस तरीके से अच्छे काम करने वाले मंत्रियों के साथ जो है इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है मनीष, तो आप सौरभ भारद्वाज को इस वक्त सुन रहे थे, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त बने हुए। जितेंद्र, 2 दिन की और रिमांड? बिल्कुल राम, जैसे कि उम्मीद थी कि सीबीआई रिमांड के लिए अर्जी लगाएगी और उसी के हिसाब से 3 दिन की अर्जी मांगी गई, 3 दिन की रिमांड की अर्जी लगाई गई थी, जिसमें से 2 दिन जो है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। और ये बिल्कुल जो हमारे सूत्र कह रहे थे कि उनको दोबारा रिमांड पर लिया जाएगा, उसी के अनुसार ये अर्जी लगाई गई थी। और जिस तरह से सीबीआई लगातार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी रिकवर करनी बाकी हैं, यानी कि एविडेंस के तौर पर जो जुटानी बाकी हैं, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया बता सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है जो कैबिनेट का नोट है जिसके जरिए जो बदलाव किए गए थे इस शराब नीति के लिए, शराब नीति पॉलिसी के अंदर, तो उसी को लेकर के रिकवर करना सबसे अहम है। और इसके अलावा कुछ लोगों से कन्फ्रंट भी कराना है, यानी कि उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी की जानी है। और साथ ही साथ सीबीआई ने अदालत में ये बताया है कि कुछ जो गवाह हैं उनके साथ आमना सामना अभी तक कराया गया है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो सीबीआई ने आज अदालत में बताई हैं, और उसी के बाद 2 दिन का रिमांड जो है अदालत ने मनीष सिसोदिया का सीबीआई को दिया है। इसके साथ जो सबसे अहम है राम, वो ये कि जैसा कि हम सवेरे से बता रहे थे कि जो मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी उसे 10 तारीख तक सुनवाई के लिए टाल दिया गया था, और क्योंकि ऐसे समय में जब एक तरफ बिल्कुल जितेंद्र आपके पास वापस लौट कर आएंगे। देखिए इस वक्त तस्वीरें सामने आ गई हैं, सीबीआई की टीम एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को अदालत से साथ में लेकर जा रही है, और जानकारी यह है कि ये जो टीम है ये सीबीआई हेडक्वार्टर की ओर ही जा रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीबीआई की टीम है, और इसी गाड़ी में जो है वो मनीष सिसोदिया हैं, और मनीष सिसोदिया को लेकर ये टीम जा रही है और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 2 दिन की रिमांड मिल गई है। पहले 5 दिन की रिमांड मिली थी जिसमें पूछताछ की गई, अब सीबीआई ने दलील दी अदालत के अंदर कि आमने सामने बिठाकर कुछ आरोपियों को पूछताछ की जानी है, मनीष सिसोदिया की भूमिका उसमें अहम हो सकती है और रिमांड की जरूरत है। अदालत में मनीष सिसोदिया के वकील ने इस बात का विरोध किया कि ऐसी कौन सी बात है जो 5 दिन में नहीं पूछी जा सकी, कहा गया कि सहयोग नहीं कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि ये कोई आधार नहीं हो सकता कि कोई अगर सहयोग नहीं कर रहा है तो फिर रिमांड बढ़ा दी जाए। लाखों करोड़ों का गबन देश को हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है, और जांच उस व्यक्ति की कर रहे हैं जिसने कि देश को शिक्षा का मॉडल दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, उसकी जांच कर रहे हैं। तो देश खुल्लम खुल्ला देख रहा है किस प्रकार से सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है, और सीबीआई द वे इट वॉज ड्यूरिंग कांग्रेस रिजीम अ केज्ड पैरेट, आज भी केज्ड पैरेट ही है। After two days, the judge will decide whether he has to be given PC or again or JC. So, let's say the PC is refused, so he'll be sent to JC. हमने तो यही कहा है कि भाई कोई केस नहीं बनता और इनको बेल पे रिलीज होना चाहिए। नेचुरली बिकॉज ही इज नॉट नो ऑर्डिनरी मैन, सो डू यू रिक्वायर कस्टोडियल इंटरोगेशन, डू यू हैव एनी न्यू ग्राउंड टू सीक कस्टोडियल
विनायक आ जाइए। तो ये आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया की वकील की बात, और उसी तरह की बात कर रहे थे जैसे सामान्य तौर पर नेता बात करते हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई आधार नहीं था, इसलिए हमने इस बात को अपोज किया। लेकिन जो रिमांड मिली है, दो दिन के बाद फिर ये प्रोसेस दोबारा से जज देखेंगे, और मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर लेकर टीम जा रही है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहां से राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लेकर टीम निकली है और सीबीआई दफ्तर की ओर यह टीम बढ़ती हुई, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर टीम ले जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को सीबीआई आगे बढ़ाएगी। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं, राजू राज भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र आपके पास आ रहे हैं, और आप चूंकि सीबीआई हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास ही हैं, जरा बताइए आगे की क्या प्रक्रिया होगी। सीबीआई फिर से, चूंकि दो दिन की रिमांड है, समय कम है और केस बड़ा है, लंबा है, तो क्या तेजी से प्रक्रिया बढ़ेगी? देखिए, सीबीआई का अपना एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो सबूत जुटाने की कोशिश करती है, और वो उसी प्रोसेस में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी तक सबूत नहीं जुटाए गए हैं, जब पुख्ता सबूत मिले हैं सीबीआई के पास तभी उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है, क्योंकि जिस जिस तरह से जाँच आगे बढ़ रही है और जो जो इसमें आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब आपसे पहले 5 दिन का रिमांड लिया गया था, आज पेश करके 3 दिन का रिमांड मांगा गया था जिसमें 2 दिन का रिमांड मिला है।